माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पे मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। पेयजल के बारे में मैं आदरणीय मंत्री जी को कई बार बता चुका हूं कि सिवाना स्थिति, अभी मेरे पड़ोसी मदन जी जो फरमा रहे थे कि सिवाना टेल पे है, पोकन पलसून बालोतरा सिवाना योजना जो है ए बी सी डी, इसमें वन फेस में 80%, बी में 70% और काफ़ी जगह काम हो चुका है, पर ये टेल पे होने की वजह से 12 किलोमीटर पाइपलाइन पोकन फलसूंड की नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि आज 12वें दिन भी सिवाना में पेयजल के लिए धरना चल रहा है, अनिश्चितकाल धरना चल रहा है, 12 दिन आज हो गए, और इस पेयजल के लिए जब तक 12 किलोमीटर वो पाइपलाइन लगाकर हेडल पॉइंट तैयार नहीं होगा तो सर्दियों में 25 दिन में पानी आ रहा है, और इस योजना को अपन सही ढंग से नहीं कि 101 गांव इसी योजना से जुड़ा है। एसआर जो फॉरेस्ट एनओसी मिलने के बाद में भी, मैं ईमानदारी पूर्वक सभापति महोदय निवेदन कर रहा हूं कि 6 तारीख को आचार संहिता लगी थी, उसके बाद में इस योजना में 1 फीट पाइप नहीं लगा। अब इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? 2 AN की पोस्ट है, 1 डेपोटेशन पे लगा हुआ है, 4 JN की पोस्ट में से 1 भी नहीं है अधिकारी वैन। पूरी विधानसभा है, 3 पंचायत समिति है, 3 तहसील है, 2 उपखंड है, पंप ड्राइवर के भरोसे पूरी विधानसभा चल रही है। मुझे बड़ा दुख के साथ सभापति महोदय कहना पड़ रहा है कि बाड़मेर सिवाना बाड़मेर में है, राजस्थान में है, दूसरे प्रांत में नहीं है। इतना ही निवेदन करूंगा कि कैसे भी करके इस ब्लॉक में, और ये 12 किलोमीटर लाइन नहीं जब तक आएगी तब तक सिवाना के पेयजल की भरपाई नहीं होगी। लोगों में यह हालत हो गई है, गांव के नाम मुठली से थापन से लगाकर कुशी मतलब मेली खाकलडाई पादलडी सिवाना मकलसर माइलावास से लगाकर पूरा भाखलडा बेल्ट सिंदरी की यह हालत है। हुक्म मेरी सिंदरी सिंदरी सांसीरा चाडा की ढाणी अंडियाली गालानाडी नाकोड़ा लोहड़ी दाका धनवा भूका से लगाकर सारे गांव ऐसे पड़े। मेरी विधानसभा में 13 गांव जो है नर्मदा से इस सर्वे में है, आज दिन तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ। ओडू से लगाकर कमटावी से लगाकर डंडाली से लगाकर मतलब इस हालत में पानी बिना दूसरी सारी चीज वगैरह रह सकते हैं अपन, पर पानी बिना नहीं रह सकते। माननीय मंत्री महोदय सभापति, मैं निवेदन करूंगा आज 12वें दिन धरना चल रहा है, सैकड़ों आदमी वहां बैठे हैं, पर आज की तारीख में प्रशासन बाड़मेर जिला से लगाकर प्रशासन ने किसी ने धरने वालों के पास में वो पर दिन ज्ञापन दे रहे हैं, पर किसी ने बात नहीं की है। आज मैं जाके कल मुझे भी धरना पे बैठना पड़ेगा। माने मंत्री जी करे क्या, हाल ये हो गए हैं कि इनको नर्मदा से जो 13 गांव थे उनका अभी तक कोई नाम नहीं, पोकन पलसून की ये हालत है। उम्मीद सागर दवा का पानी जो शुरू हो गया था 2018 में वो जरूर चल रहा है, पर उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बिना अधिकारी कौन करे? एक जॉइंट नहीं, एक पाइप नहीं, जले हुए पंप को कोई बदलने वाला नहीं। अब हम टेलीफोन करके, अभी जो मदन जी परमार टेलीफोन करके किसको बताएं? एक वहां पोकर नाम का देवासी है, वो पंप ड्राइवर टेलीफोन गुरुजी उठाता है माननीय सभापति महोदय, और वो कहता है मैं किसको कहूं? या तो आप टैंकरों की व्यवस्था तो करें, पर वो 12 किलोमीटर पाइपलाइन जब तक ये चालू नहीं होगी तो इसके लिए हुक्म अपने पास में कुछ नहीं रहेगा। 12 आज 12वां दिन तो चल रहा है धरने का, और ये आगे और बढ़ेगा और आपके और हमारे सबके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। बिजली के बारे में मैं निवेदन करूंगा आपको, आपने बिजली में बिल बढ़ा दिए और हमारे वहां कनेक्शन का कारण ये बिजली नहीं है। बिजली मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, हुक्म बिजली का यूं कह रहा हूं कि कई किसानों ने कुएं पे कनेक्शन इसलिए ले रखा है कि दिन में 1 ड्रम पानी भी निकले, पानी अगर निकलेगा तो पीने के लिए ढाणिया, हमारे वहां माननीय उद्योग मंत्री जी ढाणिया में बसावट है, कोई ढाणी में रहता है कोई कुएं पे रहता है, इसलिए पानी की बड़ी
इतनी दिक्कत है, तो मैं तो एक ही निवेदन, ये इतनी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले माननीय सभापति महोदय, आप मंत्री जी को फरमाएं, अधिकारी भी विराजे, कि पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई तो वह सिवाना में त्रय त्रय तो मची हुई है और 12वां दिन भी धरना चल रहा है और आगे भी ये और ज्यादा मुसीबत खड़ी होगी। यही मेरा निवेदन प्रार्थना, इसको स्वीकार करें, बस मैं इतना ही, इसके बाद में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आपने आपको व्यक्तिगत भी मैं बता चुका हूं, बिना अधिकारी और जब तक 12 किलोमीटर पाइपलाइन नहीं लगेगी इसका कोई समाधान नहीं। 101 गांव के लिए SR नहीं बनेगी, हेडल पॉइंट सही नहीं होगा, तब तक इसका कोई तरह का, मतलब आप 101 गांव में टैंकर से सप्लाई नहीं कर सकते। बड़े बड़े कस्बे मोकलसर, माइलावास, सिवाना से लगाकर सिंदरी, ये स्थिति बनी हुई है। मैं बस मेरी इतनी बात करके, मैं जल हूं, जीवन जल कहते हैं मुझे गंगा जल, आधार हूं मैं तेरी काया की, धार हूं, स्वस्थ हूं, पवित्र हूं, मैं जीवन जल हूं। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदय। श्री आलोक बेनीवाल।